हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग गोल्स। गोटे डाउट समस्त मनरे रोचे, जो मैंने नुआकर जूनियर टीचर जॉइन करछन्ति किंबा एसएसबी टीजीटी रे सिलेक्शन हो जाइछि किंबा ओडिशा आदर्श विद्यालय रे सिलेक्शन हो जाइछि, डाउट रोचे जे एनओसी केमती आमे आनिबु, एनओसी काठु मिलिबो, एनओसी मिलिबो कि नहीं, एनओसी नबा दरकार कि नहीं, एनओसी केबे सुद्धा अप्लाई करबा दरकार, एग्जामिनेशन डेट बा अप्लाई डेट रो पूर्वरु ना परे आसिले एनओसी चलिबो, ए सबु विभिन्न प्रकार रो प्रश्न रो उत्तर रखुची। देख, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबुबेले अप्लाई करा जाए अथॉरिटी कोठु, जे अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ओके। एंड जेतेबेले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को मानको पई दरकार, जेतेबेले आमे कोनोसी गवर्नमेंट सर्विस रे अछे, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सर्विस कथा मु कहूचे, सरकारी चाकरी रे अछे, आ गोटे सरकारी चाकरी पई अप्लाई करूचे किंबा कौनसी कोर्स कंटिन्यू करिवा पई अप्लाई करूचे, तो एई केस रे आमकू एनओसी दरकार, आमर अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सर। तो आ गोटे जिनस समस्त को कही दूसरी, प्रथम बे सियोर कि जो मैंने एस एस बी टीजीटी रे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सारीच, फाइनल मेरिट लिस्ट आसनी, जिते जल्दी पारुच एलटीआर अप्लाई कर दि, बिकज तार रीजन हूँ एस एस वि टीजीटी तुम बर्तमान पर्यटन तो जॉइन करना, जॉइन करने पूर्व जो एलटीआर अप्लाई करो, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एनओसी। सेमिति ओडिशा आदर्श विद्यालय जो एलटीआर अप्लाई करने को चाहो, यू कैन अल्सो गो फर दैट, जेहेतु ओएवी काउनसलिंग होनी कि जॉइनिंग होनी, तेणु तुम मानक एनओसी बर्तमान दरकार ना, तो यू कैन अप्लाय फर एलटीआर विदाउट एनी इश्यू। सरला कथा। तापर एनओसी जूनियर टीचर स्कीमाटिक वाला पाई, तो जूनियर टीचर स्कीमाटिक जो मैंने अच्छ से माने अप्लाय क्या कर, बहुत पिलांकर एटा कन्फ्यूजन रोचे कि आड्रेस आम क्या करूँ, क्या दबू आप्लिकेसन टाइम। फ्रेंड्स देख, दोज हु आर वर्किंग एज जूनियर टीचर, यू सुड आड्रेस, कहीं तुम अपॉइंटमेंट लेटर टा टे देख, एनगेजमेंट अर्डर टा कहे ठीक हम, एनगेजमेंट अर्डर टा टे देख, से उपर लिखाई थोड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट अफिस् समग्र शिक्षा, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा बोली लिखा जाइए, एंड तले जो सिग्नेचर अच्छी डीओ कम डीपीसी सिग्नेचर अच्छी, सो योर अथॉरिटी इज डीपीसी, जे कि इश्यू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और डीओ कम डीपीसी इज योर अथॉरिटी टू इश्यू एनओसी। तो जितेबाला आप्लिकेसन टा दब, तुम तुम अथॉरिटी को दब, तुम अथॉरिटी होती हेडमास्टर इन स्कूल, आड्रेस कर डीपीसी को टू द डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा जिलार ना, थ्रो प्रॉपर चैनल बोली लिखिबो, थ्रो प्रॉपर चैनल कहले कौन हम, हेडमास्टर को देले, हेडमास्टर गोटे लेटर करेंगे ऑफिशियल लेटर करी, आउ तमर जो जो लेटर टा देइथिबो जे मते एनओसी दिया जाउ बोली, से एनओसी दिया जाउ बोली लिखिथिबो, टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट और टू कंटिन्यू माय एजुकेशन इन एठी, एटा मु करू छी, मु कंटिन्यू करबा को चाहू छी, बा एई कोर्स रे मु एडमिशन करबा को चाहू छी इन करेस्पोंडेंस कोर्स, ए सब जिनस लिखिलो एज पर एडवर्टाइजमेंट नंबर एति बा नोटिफिकेशन नंबर एति अफ अमक यगर आसी डेटा देल, आ सहित प्रूफटा आप्लिकेसन रे गोटे आटाच कर कि आडभटाइजमेंट रोटे कपिटे, रईट यही वैकेटा बाहर यहाँ मुझ्लाय करने चाहिए, से आडभटाइजमेंट रपि बाई मुझ आडमिशन करवाक चाहूँ, से तार कपि तार आडभटाइजमेंट बाहरी प्रूफ, तो तुम आप्लिकेसन एलंग विथ आडभटाइजमेंट कपि ताक स्टेपल कर हेडमास्टर को देलापर, हेडमास्टर गोटे ऑफिशियल लेटर करेंगे टू ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कि ये मत देटा एनओसी पाई, से लिखिकी तक देवे, तुम एत मुंड खेल दरकार नहीं, सी देना ना, हेडमास्टर को कहीकिटा जल्दी फरवर्ड करार अच्छे बीओ को पाक, बीओ तापर कौन करेंगे, हेडमास्टर कपि तुम आप्लिकेसन आउ तुम आडभटाइजमेंट रो कपि दे, से तीन टा जाक को सहित आउ गोटे लेटर करेंगे टू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर टू इश्यू एनओसी, आउ जोटा कि फॉरवर्ड है कि डीपीसी ऑफिस को जीव समग्र शिक्षा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को ऑफिस बा डीपीओ डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस को जीव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे जोटा अच्छे सेठी के आउ सेठी एनओसी तुमर मिलिबो, ओके, सेठू इश्यू हम एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टा। तो ये गोटे टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जीव, जदि तुम केवल हेडमास्टर को देकी बसी पड़ल आउ किसी चिंता कलन, हेडमास्टर को कहीकि लेटर करके बीओ ऑफिस को फॉरवर्ड करके आउ टे रिमाइंडर देवार अच्छे बीओ ऑफिस जे करुछन्ते तांको टिके रिक्वेस्ट करले, से टिके जल्दी फॉरवर्ड करदे डीपीसी को, डीपीसी लेवल जिते बेले सेमाने भी वेट करती, सेमाने भी देखती जानते जे अप्लाई करबा पूर्व दरकार अच्छे, पिला माने एते अप्लाई कलेनी एते गुडे आसीगला किंबा दसटा जदि आसी से वेट करती जे आउ किसी आसवार अच्छी, तो पलै आसु एका बेल के गोटे लेटर करदे, तो से हिसाब से सी ठीक अप्लाय करार डेट पूर्व ही करदे, कहीं सी जानते
कि एटा कोथि पई को रीजन पई दरकार अछि एटा अप्लाई करबा पई जने चाहौछि जदि एलटीआर पई किंबा एडमिशन करबा को चाहौछि गोटे को कोर्स रे बा को कोर्स ता को कंटिन्यू करबा को चाहौछि सेति पई मागेछि त विदिन स्टिपुलेटेड टाइम दे विल प्रोवाइड त ये होउछि सिस्टम आउ सबबेले अप्लाई करबा पूर्वरु एनओसी धरि कि अप्लाई करबो फर्स्ट एनश्योर कि एनओसी आसीगला तापर अप्लाई करो काहे कि एनओसी रे गोटे डेट थाए आउ से डेट रो पूर्व रु जदि हमें अप्लाई कर दे छे हमें वायोलेट कर दे छे आउ किछ एनओसी आनी बार किछ मतलब रहिबो ने तनो एनओसी डेट रो परे एनओसी जो दिन रिसीव करले ता पर दिन भी अप्लाई करि परिबा बा सेही डेट रे भी हमें अप्लाई करि परि एंड एनओसी एतर तो अपलोड करबा को भी कहूछि तो कोठी कोठी अपलोड करबा को जोठी कहूछि सेट तो निश्चित रूपे दरकार हबो एंड जो माने कोनोसी कोर्स रे वर्तमान पर्यंत ना हो सिलेक्शन हेछि किंतु जॉइनिंग लेटर आसिनी बा जॉइन करिनो इन द सर्विस यू डोंट नीड एनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बट एसएसवी टीच जने आरएचटी रे अछि एलटीआर अप्लाई करबा को चाहौछि सीए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन देबे दैट मे बी अलाउड मे नॉट बी अलाउड डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटी राइट किंतु अप्लाई करिवारे कोन अछि मिलिबो न मिलिबो हु आर यू टू डिसाइड हां तो एते चिंता न कर कि यू कैन अप्लाई यदि मिलिबो यू कैन अप्लाई फॉर एलटीआर अदरवाइज सेठी रही परिबो ओके एंड एसएसबी टीजीटी रु जो माने एलटीआर को स्विच करबा को चाहौछ बिफोर जॉइनिंग यू कैन अप्लाई ओएबी रु जो माने एलटीआर को जीवा को चाहौछ बिफोर जॉइनिंग यू कैन अप्लाई विदाउट एनओसी राइट ए सब जिंस अछि जेतु हमें कोनसी गवर्नमेंट जॉब रे वर्तमान न हो तो এটা এনওসি রিলেটেড বর্তমান পাই ইনফরমেশন থিলা কিছু ডাউটস আছে তো কমেন্ট বক্স রে লিখে দাও থ্যাংক ইউ জয় জগন্নাথ।